व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू अनदर क्रिकेट 22 शेर खान करियर मोड वीडियो। और गाइस, बीबीएल का डेब्यू होने लगा है शेरू भाई का। बहुत ही एक्साइटेड है शेरू भाई। ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं पहली बार और मेलबर्न स्टार्स ने साइन किया है उनको। हारिस रऊफ भी आपको पता होगा कि खेलता है मेलबर्न स्टार्स की तरफ से, और पहला मैच जो ये खेलने लगे हैं वो होगा मेलबर्न रेनेगेड्स के अगेंस्ट और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो कि इनका होम ग्राउंड होगा उसमें। तो चलते हैं सीधे मैच की तरफ। चलो गाइस, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमने शुरू से स्टार्ट नहीं करा यार। हमने बोला कि शेरू भाई जो है वो पावर प्ले में आते हैं और इतने रन्स बना के चले जाते हैं, और वो मतलब ट्रू पिक्चर जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करती है कि स्टोरी चल क्या रही है। तो इसलिए हमने सोचा कि यार हम जो है वो पावर प्ले के बाद से स्टार्ट करेंगे। और देखो इस वक्त शेरू ने जो है वो सिर्फ 7 बॉलें खेली हैं। शेरू भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम लखा, बस क्या हाल है यार तुम्हारा, सब ठीक ठाक है? यार सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन ये क्या चल रहा है मैच की सिचुएशन? ओ भाईजान, ये बड़ा कमबख्त मार है भाईजान, ये हमको स्ट्राइक भी नहीं दे रहा यार। बड़ा मुश्किल से हमने 7-8 बॉले खेल लिए। अच्छा यार, तो उसको बोलो सिंगल विंगल लेके दे। ओ भाईजान बिल्कुल भी, ये तो जो है ना हमारा बात भी नहीं सुन रहा, हमारा जबान भी नहीं समझता है, अब क्या कर सकते हैं। ओके चलो, ये चैलेंज है। वैसे भी मैं तो आपको चैलेंज ही देने वाला था कि आप जो है वो पावर प्ले के बाद बैटिंग करें अपनी, क्योंकि आप वैसे ही इतनी तेजी से रन बना देते हैं और फिर पता नहीं लगता कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। ओ नहीं भाईजान, ऐसी बात नहीं है, हम पावर प्ले का बड़ा अच्छा प्लेयर है और हमको बड़ा मजा आता है पावर प्ले में खेलने का। लेकिन यार पावर प्ले के अलावा जो ओवर्स होते हैं ना वो ज्यादा चैलेंजिंग है। पावर प्ले में तो इट्स अ लिटिल बिट ईजी है, क्योंकि जाहिर सी बात है फील्डर्स जो है वो आपके बाउंड्री पर होते नहीं है, 2 ही होते हैं। तो मैंने सोचा था पहले ही के 6 ओवर्स के बाद आपको खिलाएंगे ताकि पता तो लगे यार कि आपको शॉर्ट्स वॉट्स कैसे निकालते हैं गैप्स में से। ओ भाईजान तुम हमारा इम्तिहान लेने के लिए आए हो यार इधर, ये तो अच्छा बात नहीं है। नहीं यार ऐसा सच इम्तिहान लेने नहीं आया हूं मैं, लेकिन मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता था। चलो ठीक है भाई, हम तुम्हारा इम्तिहान पे देखते हैं कि पास होता है कि नहीं होता है। ओके गुड शॉट खेला है यार, एक ही बनेगा क्या, दूसरा बन जाएगा भाई। भागो उसको, भगाओ उसको, भगाओ साले को। ओ भाईजान हम इसको रन आउट करा देगा यार, ये साला हमको स्ट्राइक भी नहीं देता है, बड़ा मुश्किल होता है स्ट्राइक लेने में इससे। हाँ भाई करा दो इसको रन आउट। ओ दैट्स अ गुड शॉट, लेकिन यार सीधा फील्डर के हाथ में दे दिया भाई आपने, सिंगल बनाए। ओके बाकी का ओवर वो पूरा खेल गया है। 9 ओवर्स में 66 स्कोर है यार, इतना ज्यादा नहीं है, देखते हैं क्या करता है शेर। ओके दैट्स अ ब्यूटीफुल ड्राइव, क्या होगा भाई, 2 बनेंगे, 2 ही बन रहे हैं भाई। ओके गुड शॉट यार शेरू भाई। यार अभी देखो मैं सोच रहा हूं कि मैं इसको सामने की तरफ मारूं यार, तो थोड़ा बेहतर रहेगा। लेकिन ये तो आपको बॉल उधर कर आएगा, तो आप सामने की तरफ कैसे मार सकते हो भाई? यार यही तो मसला है ना, देखो पूरा का पूरा ऑफ पे कितना बार बॉल करा रहा है यार, तो फिर इधर ही मेल पे बंदा मारेगा ना यार। सही बात है। ये बच गया भाईजान, हमने सोचा था कि हम इसको पॉइंट से मारेगा। कोई बात नहीं, यू अटेम्प्टेड अ गुड शॉट। एवेंस आ गए हैं वापस, 10 ओवर्स में 75 रन्स हैं, 50 हो गई हैं भाई गोच की। अरे यार अच्छा शॉट मारा है, इस बार कवर के अंदर से मारा है और दुग्गी बन गई है भाई, जबरदस्त, वेल प्लेड। मेरे को तो लग रहा है कि यार इसको उठा के फेंक देना यार, ऊपर देखो मिड ऑफ भी ऊपर है, कवर भी ऊपर है, मेरे को लग रहा है कि मैं इसको मारता हूं उधर से। हाँ व्हाई नॉट। ओए लेकिन कमबख्ती मार ने शॉट बॉल करा दिया यार, देखो। लेकिन आपने बड़ा जबरदस्त शॉट खेला है सर, थोड़ा और पॉइंट के पीछे की तरफ से खेलते ना, बैकवर्ड पॉइंट से तो 4 भी हो सकता था। चलो यार अगली बार ट्राई करूंगा मैं उधर से खेलने की। ओहो शेर भाई बचत हो गई यार, ये क्या शॉट खेला था। ओ यार मैंने तो पहले ही सोचा हुआ था कि आगे बाल आएगा तो मैं इधर ही शॉट मारूंगा, लेकिन बस यार थोड़ा सा ढीला हो गया, लेकिन चलो बचत हो गई। जी सर बचत हो गई वाकई। ओके ओए अरे ये क्या कर रहे हो भाई,
ओ यार खाना खराब, मेरे को समझ नहीं आया, फील्डर थोड़ा नीचे हो गया। ओके 83 पे कोई आउट नहीं है, शेर खान 33 of 21, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ओके अनदर शॉट फ्रॉम द सेम डायरेक्शन, यार शेरू भाई। ओ यार वो बॉल हम लोग को उधर ही करा रहे ना यार, देखो मेरा दिमाग मत घुमाओ अभी। ओके ओके चलो आप खेलो एनीवे, रन आने चाहिए भाई कैसे भी आए, सही बात है ना। ओ ये क्या था, ओ बच गए भाई, क्या कर रहे हो शिरू भाई। अरे मोहम्मद नबी आ गया यार, और विकेट भी अच्छा, गॉच को निकाल दिया भाई उसने, जरा देख के खेलना भाई। भाई जान दे कोई सिंगल लेते हैं यार, अगला ओवर पूरा खेलेंगे फिर। हाँ ये सही करा यार तुमने। वैसे क्लार्क कैसा है, वैसे क्लार्क भी वैसे ही है क्या गॉच की तरह? अभी मेरे को पता नहीं है भाई, इसका बात है मेरी समझ में नहीं आता, मेरा बात है इसको समझ में नहीं आता, तो अभी क्या बोल सकता है भाई। अरे यार दैट्स अ ब्यूटीफुल बैकफुट शॉट यार, मजा आ गया भाई जान। आपने हमको बोला था कि बैकफुट पॉइंट से खेलना शॉर्ट बॉल को, तो हमने उधर खेला है, फिर आया ना मजा। हाँ भाई बहुत मजा आया, ब्रिलियंट शॉट। ओके स्ट्रेट ड्राइव, एक ही बनेगा क्या? हाँ जो आ जो क्लार्क भाई है, लेट जाना भाई जान, लेट जाना, शाबाश गुड रनिंग, ब्रिलियंट बैटिंग शुरू भाई। 42 बना दिए भाई 26 बॉल्स में, रन रेट भी ठीक चल रहा है, 8 का रन रेट चल रहा है। ओके और इस बॉल पे सिंगल बन गया भाई, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 100 हो गए भाई। मोहम्मद नबी दोबारा वापस आ गए हैं, 13 ओवर पूरे कंप्लीट हो गए हैं, क्या मेडन मेडन किया है वो, समझ में नहीं आया मुझे क्या हुआ है। ओ दैट वाज अ लूपी सी बॉल यार। हाँ जो क्लार्क भाई दो बनाना है लाजमी है, दुग्गी दुग्गी, शोबश शोबश, लेट जाओ बहुत आला। ओके 45 हो गए भाई, 160 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है शेरू, ठीक खेल रहा है बहुत बेहतरीन। ओके बैकवर्ड पॉइंट की तरफ से खेला है इस बार, लेकिन सिंगल ही बनेगा यार, फील्डर लगाया हुआ उधर। हाँ भाई जान मैं थोड़ा सा और पीछे खेलने वाला था लेकिन नहीं लगा भाई, स्पिन स्पिन स्पिनर ही स्पिनर लगाया हुआ उन्होंने, क्या सीन चल रहा है समझ में नहीं आ रहा मेरे तो। ओ भाई जान दो बनाने, शाबाश शाबाश, जल्दी आओ जल्दी आओ, मैंने थोड़ा स्लो खेला है। गुड रनिंग यार, जबरदस्त हो गया भाई, 15th ओवर चल रहा है और 113 रन है यार शेरू भाई, कुछ करना पड़ेगा। ओ यार सबसे पहले तो मेरे को अपना 50 करना है, उसके बाद हम बाकी का बातें करेंगे। हाँ जो क्लार्क भाई देखो 50 होगा ना भाई का, तो फिर भाई और तेज खेलेगा। अरे यार जबरदस्त, क्या बात है भाई, ऑन डेब्यू, बीबीएल का डेब्यू हो रहा है, 50 मार दिए, कैरिड द फॉर्म फ्रॉम द वेस्ट इंडीज सीरीज, 160 के स्ट्राइक रेट पे, ब्रिलियंट बैटिंग, अब क्या करने वाले हो बता दो। अभी देखो भाई जान क्या करता है भाई। ओए डायमंड, ओ हो रिवर्स स्वीप था भाई ये। ओके वाइड नहीं दी यार अंपायर साले ने। ओके स्वीप खेला है भाई, और लेकिन डीप फाइन लेग के हाथ में गया सीधा, सिंगल हो गया। 15 ओवर मुकम्मल हो गए, 122 रन पर एक आउट है, और फिर स्पिनर आ गया यार। ओके इज दैट अ वाइड बॉल? नहीं भाई बॉल हो गई। ओहो शेरू भाई मिस कर दिया आपने ये बॉल। यार ये तो लूसी शॉट था भाई, एक ही बना है इस पे। अभी देखो यार सारा सीन ये है कि सारा फील्डर इन लोगों ने आगे लगाया हुआ है, तो फिर मेरे को तो कुछ ना कुछ तो टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ेगा ना भाई। ओके यस बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ, टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ेगा, लेकिन यार डॉट बॉल्स नहीं कर सकते, इससे बेहतर है आप दुग्गियां ही लेते रहे। नहीं यार दुग्गियों से अभी काम बनेगा नहीं ना भाई जान। आय हाय शेरू भाई ये क्या करा, आउट हो गए, देखो इसीलिए कह रहा था कि दुग्गियां ले लो। हाय यार खाना खराब, हमने सोचा कि हम इस फील्डर के ऊपर से मारेगा ना यार, उधर सारा जगह था, लेकिन किसने बहुत बार बॉल कराया, पूरा खींच नहीं पाया ठीक से। चलो यार कोई बात नहीं, इट वॉज अ गुड इनिंग, आपने अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया, अब देखते हैं कि बाकी के बैट्समैन क्या करते हैं। शेरू को ओवर मिल गया है भाई, बहुत
सख्त पोजीशन लग रही है मुझे। 47 रन चाहिए भाई 36 बॉलों में। मुझे तो लग रहा है ये गेम हो गया है, रेनिगेड वाले निकाल लेंगे यहाँ से। अब देखते हैं शेरू की बॉलिंग से अगर कुछ बच जाए तो बच जाए। शेरू भाई टाइट बॉलिंग करानी है। ओ भाई जान देखो हम पूरा कोशिश करेगा, हमने अच्छा बैटिंग करा था, आए भी बॉलिंग में भी हम पूरा जान मारेगा। हाँ हाँ पूरी जान मारो। अरे रन आउट हो रहा है शेरू भाई, रन आउट हो रहा है मैन, कम ऑन। ओहो देर कर दिया आपने यार। देखो मेरे को लग रहा है कि ये आउट हो गया भाई। नहीं मुझे लग रहा है पहुंच गया यार वो, मुझे लग रहा है पहुंच गया है, नॉट आउट है। हाँ यार उसने गंदा थ्रो मारा ना यार, इतना दूर मारा स्टंप से, अभी मैं क्या कर सकता हूं। हाँ ये भी है, थ्रो तो वैसे अच्छी नहीं थी। ओहो बच गया बच गया, कट खेलना चाह रहा है भाई ये पीछे से। ओ मेरे को समझ आ रहा है कि क्या खेलना चाह रहा है भाई जान। देखो फील्डिंग जो है ना वो मेरे हिसाब से बड़ा मजेदार नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करेगा पूरा। अरे यार निकल के मार दिया उसने, डैमेड वहीं मारा है देखो पॉइंट के ऊपर से। अब यार देखो ये तो उसको क्रेडिट देना चाहिए, देखो अच्छा शॉट खेल लड़के ने। हाँ लेकिन आपने टू मच विद दे दी ना यार उसको, देखो एक और। अरे यार शेरू भाई गंदी बॉलिंग मैन, कम ऑन। अब यार देखो जब हम बंदा परेशान होता है ना तो फिर उसको और परेशान नहीं करते। अभी हम कोशिश करता है देखो इस बॉल को अच्छा कराने का। अरे चलो बेटा कर जाओ शाबाश, तुम हमारे को चौका मारेगा, हम तुम्हारे मुंह पे चमाटा मारेगा, चलो शाबाश। अरे यार गुड बॉल, ग्रेट रिवेंज। ओके एलबी क्या रिव्यू करवाएगा? आई डोंट थिंक सो, इट्स अ प्लम आई थिंक। हाँ प्लम हो गया भाई, नहीं लिया उसने रिव्यू। चलो गुड विकेट यार। ओके एक विकेट और निकालनी चाहिए यार शेरू भाई आपको इस ओवर में, हो जाए ना तो मजा आ जाएगा यार। ओहो सिंगल ही बन गया यार, डॉट भी हो जाती तो चलता, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं। 11 रन देके एक विकेट ले लिया आपने, देखते हैं। ओके यार 145 पे तीन आउट है रेनेगेड्स के, 27 चाहिए 24 बॉल्स में मैन, दिस इज रियली रियली टफ। देखते हैं क्या होता है, क्या करानी चाहिए। टॉप्स शेरू भाई टॉप स्पिन यार, देखो इसी बॉल पे हमको विकेट मिला था, हम कोशिश करता है अभी देखो। ओहो बाउंड्री तो नहीं हो रही कहीं? नहीं 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 सिंगल भर रहे, दो बना लिए यार, की क्या करा। ओ यार ये लोग नेस्ती फील्डर है भाई जान, मैं क्या कर सकता हूँ यार। थोड़ा डंडा दो ना भाई शेरू भाई। यार अभी तो पहला मैच खेल रहा हूं मैं, क्या बोलूं यार किसी को। ये देखो ओए पकड़ लेने सी, चल शाबाश फेंक रहा है यार, कितना देर लगाता है, गंदा थ्रो करता है भाई, ऐसे थोड़ी ना मैच जीतेंगे यार हम लोग। वही कह रहा हूं मैं, पता नहीं क्या चल रहा है भाई, ढीली ढीली फील्डिंग। ओ यार फिर गैप से मार दिया भाई, आपको फील्डर आगे लाना चाहिए यार। ओ यार मैंने मैक्सवेल भाई को बोला है, वो मेरा बात नहीं मानता, मैं क्या कर सकता हूं यार। ओके तीन बॉलों में तीन दुग्गियां बन गई भाई, सिचुएशन तो मुझे खराब ही लग रही है। 21 बॉलों पे 21 रन चाहिए, रन बॉल इन T20 इज नॉट अ प्रॉब्लम स्पेशली इतनी विकेट्स। ओ हो कैच ड्रॉप हो गया या शॉट। ओ यार थोड़ा पहले टिप्पा पड़ गया भाई जान मेरे को, बस यार तो ये विकेट अगर निकल जाता ना तो बड़ा अच्छा हो जाता टीम के लिए। ओ यार बचो शेरू भाई, ग्रेट बॉल यार, डॉट निकाल दो यार शेरू भाई किसी तरीके से ये वाली बॉल। ओए यार बच गया, डैम इट, ग्रेट लास्ट थ्री बॉल्स मैन, लवली बॉलिंग। लो जी भाई जान 7 रन चाहिए सिर्फ 12 बॉलों में, तो गेम का तो खत्म हो गया भाई जान, हमको तो पता नहीं काय को दे दिया ओवर कराने का। चलो कोई बात नहीं यार, अपना ओवर कराओ और कोई मसला नहीं है, अब तो गेम तो ओवर हो ही है, अपनी पूरी कोशिश कर लो यार इस ओवर में। यार अभी तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इतना देर से ये लोग मेरे को बॉलिंग देता है, मैंने लेकिन ठीक बॉलिंग कराई है, मैं अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन हूं भाई जान। हाँ यार लेकिन टीम तो हार रही है ना, मतलब व्हाट्स द पॉइंट देन, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस डोंट मैटर मच भाई। चलो बेटा तुम्हारा डब्बा गोल है ये बॉल पे। अरे बच गया, सीधा मार दिया यार, खाना खराब तुम्हारा भाई जान, हमारा इज्जत का फलूदा निकाल दिया तुमने। ओहो अब तो खत्म ही हो गया, चलो
एक ही रन चाहिए और रेनेगेड्स वालों ने ये मैच जीत लिया है मुझे लग रहा है। जी भाई, रेनेगेड्स वालों ने 7 विकेट से ये मैच जीत लिया है, मेलबर्न स्टार्स को पेल दिया है। तो मेलबर्न की एक टीम ने दूसरी मेलबर्न की टीम को मार दिया है। शेरू खान की डिसेंट परफॉर्मेंस थी यार मैन ऑफ द मैच, तो लेकिन ऑब्वियसली फिंच को दे दिया है इन्होंने। फिंच ने पता नहीं क्या करा, तभी स्कोर कार्ड देखेंगे तो पता लगेगा। चलो भाई, हाँ तो 67 रन बनाए थे 42 बॉल्स में एरन फिंच ने, तो उसी की बेसिस पर उन्होंने उसको मैन ऑफ द मैच दे दिया है। शेर खान ने 1 विकेट ली है 3 ओवर्स कराकर और 52 रन बनाए थे। इट वॉज अ हाईएस्ट स्कोर इन देयर टीम और एट अ रियली गुड स्ट्राइक रेट, लेकिन अब से क्या कर सकते हैं, मतलब स्कोर कम था। बट एनीवे, तो शेर खान अपना डेब्यू मैच जो है वो बीबीएल में मेलबर्न स्टार्स की तरफ से खेला और पहला मैच हार गए गाइस। तो अब देखते हैं कि आगे के मैचेस में क्या स्टोरी बनती है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन्स भी ऑल कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड हो तो पता लग जाए। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।